हेलो स्टूडेंट, अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें कि हम लोगों ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक से रिलेटेड पार्ट वन और पार्ट टू दो वीडियो हम अपलोड किए हैं। पार्ट वन में इनिशियली स्टेज में कि एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, एक सिंपल फंक्शन में और इनवर्स फंक्शन में क्या अंतर है, वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, और हम लोग इसको ग्राफ के माध्यम से पढ़े। इसके बाद सेकेंड पार्ट के वीडियो में जो है उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि इसके प्रॉपर्टीज कितने होते हैं। लगभग हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट से जो है लगभग 10 प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। उसके बाद बताया गया था कि पार्ट थर्ड का जब वीडियो आएगा तो उसमें आज जो है हम लोग कंप्लीट जो है प्रॉपर्टीज एक दो बचा हुआ है करेंगे और एक्सरसाइज से भी प्रॉब्लम करेंगे। एक्सरसाइज से मतलब हम लोग अभी केसी से ना से कंप्लीट करते हैं, इसके जस्ट बाद जो है एनसीईआरटी का भी टोटल कंप्लीट सॉल्यूशंस हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई एनसीईआरटी और केसी सिन्हा के अलावा आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल या अदर कोई रेफरेंसेस बुक पढ़ते हो तो आप उससे भी एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बनाइए, और अगर जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी रिलेटेड उससे प्रॉब्लम हो सकती है तो उससे आप पूछिएगा। इसे उम्मीद करते हैं कि आपकी जो है समस्या थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगी। ये दो चैप्टर को अच्छी तरह से आप बनाइए, दैट मीन्स कि एक चैप्टर केसी सिन्हा से है और एनसीईआरटी में दो चैप्टर विथ मिसलेनियस है, और जिसको भी प्रॉब्लम होगा तो आप जो है क्वेश्चंस को एराइज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर किसी ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो थोड़ा सा डाउट दिमाग में चल रहेगा वो कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जो है कल तक जो सेकंड पार्ट तक का वीडियो देखे थे, आज थर्ड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं अच्छी तरह से समझने की। तो उम्मीद करते हैं कि कहीं भी डाउट नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिर से पार्ट टू और पार्ट थर्ड से जो रिलेटेड इसका वीडियो है। तो हम लोग शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट थर्ड का वीडियो। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पार्ट थर्ड का वीडियो। पार्ट थर्ड ये वीडियो है, मतलब कि तीसरा वीडियो है। तो चलिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज बचा हुआ था जो कि बताए गए थे कि थोड़ा सा प्रॉपर्टीज है जो कि ये आपका आज कंप्लीट हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करके एक्सरसाइज में एंट्री करेंगे। शायद 9 या 10 हो गया था, आप लिख लीजिएगा कि 9वां या 10वां नंबर प्रॉपर्टीज होगा। ये सिक्वेंस में आप लिख लीजिए। एक प्रॉपर्टीज क्या है कि टू साइन इनवर्स एक्स, ये प्रॉपर्टीज है, टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक और इसी में दूसरा प्रॉपर्टीज कर देते हैं, क्या चीज की 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये दो प्रॉपर्टीज है, इस दो प्रॉपर्टीज को हम लोग पहले क्लियर करते हैं। तो चलिए इसको प्रूफ करेंगे और इसके बाद और ये जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज के बाद जो है आपका और एडवांस पार्ट बताया जाएगा। एक और ऐसा वीडियो होगा लगभग 45 से 1 घंटे के बीच का वीडियो, जिसमें कि हम लोग और इससे जो है एडवांस पार्ट जैसे कुछ कंपटीशन में जो आया हुआ है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी अस्थिर से पढ़िएगा, ठीक है। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करते हैं। साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं थीटा 1 नंबर में, तब देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, देखिए 2 है साइन इनवर्स को आपने क्या माना है थीटा, तो चूंकि बात हो रही है साइन की तो साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे तो मेरे पास 2 साइन थीटा ऑलरेडी है, कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा, देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू इधर लिखेंगे साइन इनवर्स। अब देखिए 2 साइन थीटा की जगह हम लोगों ने क्या माना है, एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देयरफॉर 2 इसके बदले में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हेल्प ऑफ 1 से, या इसको मान लीजिए दादा दिक्कत है तो 1 से, बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज नंबर एंडिंग ही चला जाएगा, 9 या 10 होगा। अब देखिए इसके बाद जो है 2 नंबर सवाल, देखिए अब इसी जगह प्रूव कर देते हैं 2 cos इनवर्स कितना है x है, तो हम लोग क्या करते हैं कि cos इनवर्स x को मान लेते हैं थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos थीटा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, देखिए कितना दिया है
टू कॉस इनवर्स एक्स की जगह क्या है थीटा, तो लिख देंगे टू थीटा, यहाँ पर कॉस की बात है तो कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा का देखिए टू एक्स स्क्वायर है, टू एक्स की जगह क्या है कॉस थीटा, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा वन, देयर फोर टू थीटा इक्वल टू कितना होगा कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसके बाद टू और थीटा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। बस ये जो प्रॉपर्टीज है आपका लमसम कंप्लीट हो गया। अब मात्र एक प्रॉपर्टीज बचा हुआ है जिसमें कि हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, एक प्रॉपर्टीज एंडिंग बचा हुआ है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि किस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू को निकाला जाता है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया जो इनिशियली था, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड प्रॉपर्टीज है, ठीक। चलिए अब इसके बाद जो हम लोग शुरू करेंगे वो लास्ट प्रॉपर्टीज है, और इसके बाद लगभग प्रॉपर्टीज हम लोग का एक सिक्वेंस वे में कम्प्लीट हो गया। अगर ऐसा देखेंगे कि एक आध प्रॉपर्टीज का और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग प्रॉब्लम जब बनाएंगे एक्सरसाइज वर्कआउट तो उसी में कर दिया जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग जो है लास्ट प्रॉपर्टीज की ओर चल रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान से देखना है, अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज नंबर एंड है, आप वो काउंट कर लीजिएगा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी 10 या 11 का वो लिख लीजिएगा प्रॉपर्टी। देखिए ये आया हुआ भी था, इस बार बिहार बोर्ड में ये पूछा गया था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये 2021 में इस बार ऑब्जेक्टिव पूछा था बिहार बोर्ड में कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। दो नंबर में देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए साइन का हम लोग रेंज पिछले क्लास में पढ़े थे माइनस पाई बाय टू से लेके कहाँ तक होता है पाई बटे टू, इसलिए एक बार लिखे कि अंतिम है, एक बार ब्रेन में रह जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, जीरो से लेके वाई से लेके कितना पाई तक दो। और तीन नंबर में पढ़े थे क्या चीज की टेन इनवर्स माइनस एक्स ये होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, इसका भी रेंज होता है माइनस नब्बे से लेके प्लस नब्बे के बीच में। देखिए लेस देन है, इसमें लेस देन इक्वल टू है, ध्यान में रखिएगा। टेन के बाद होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इसका रेंज जीरो से लेके पाई के बीच में। जो कॉस का होता है वही कॉट का, बट इसमें लेस देन इक्वल टू है, इसमें सिर्फ लेस है। पांच कॉट के बाद आता है सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये भी होता है जीरो से लेके किसके भी, जो कॉस का होता है वही होता है सेक का, बट यहाँ पे वाई का मान कभी भी जो है 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 क्या होता है जीरो, बट सेक 90 क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा। लास्ट में देखिए कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स ये होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये जो साइन का बताए थे सेम रेंज होता है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं होता है, बट यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान जो है जीरो के बराबर नहीं होता। ये छह जो प्रॉपर्टीज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो ये चीज देखिए दिमाग में रखने के लिए, जो लेटर c से शुरू होगा वो पाई से माइनस होगा, और सिर्फ cos का उल्टा रखना sec वो भी पाई से माइनस होगा। चलिए इस चीज को हम प्रूफ करते हैं, तो सबसे पहले एक कर देते हैं प्रूफ, एक और दो प्रूफ करते हैं सेम उसी तरह है। तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग मान लेते हैं थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस इधर चल गया तो माइनस साइन थीटा, तो एक्स इक्वल टू इसको लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टीज 11th में भी कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो यहां लिख दिया माइनस। अब साइन को इस साइड लेते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना बचेगा माइनस थीटा, माइनस को इधर लाइए तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा थीटा, अब देयरफॉर देखिए माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा के जगह आपने क्या माना है तो माने हैं साइन इनवर्स माइनस, यही चीज हमको क्या करना था प्रूफ करना था। आ गया क्लियर, इसको दिमाग में रखिएगा एक दो बार और समझिएगा एक, और लास्ट में मेरे पास एक कॉस वाला हम बता देते हैं, ठीक है। एक साइन हो गया और दूसरा नंबर सेकेंड नंबर जो है वो क्या है मेरा, तो एक कॉस का है। देखिए कॉस में क्या करते हैं हम लोग, तो सेकेंड नंबर में जो दो नंबर है वो है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो हम लोग लेट मान लीजिए
कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या माने थीटा, तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे कॉस थीटा, तो देयर फोर एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो एक्स बराबर हम लोग जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। अब दिमाग में चलता होगा कि 180 ही आपका है, लिखे क्योंकि यहाँ देखिए पाई के फॉर्म में चेंज होना चाहिए, इसलिए पाई लिख दिए, कॉस को इधर भेजिए। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना होगा पाई माइनस, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। देयर फोर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, तो थीटा को इस साइड लाइए, थीटा बराबर क्या होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब थीटा के जगह आपने क्या पुट किया है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टीज जो है आप ध्यान में रखिएगा, इसके बाद आपका लगभग प्रॉपर्टीज क्या हो गया क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज की ओर अग्रसर होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है तो लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग का शुरू होता है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज अभी हम लोग केसी सिन्हा को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद एनसीईआरटी क्रमशः चलेंगे। तो हम लोग केसी सिन्हा को जो है 4.1 हम लोग अभी क्लियर करेंगे, और आज तो नहीं हो पाएगा, लगभग एक वीडियो दो वीडियो और आएगी, उसके बाद जो है आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज जितना भी है हम लोग करेंगे। तो चलिए 4.1 केसी सिन्हा से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ जो है आप लोग को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर पाई हम लिखते हैं पाई, तो पाई का मतलब जानते हैं कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। अगर कहीं लिखा रहेगा पाई बटे टू तो हम इसको लिखेंगे 90 डिग्री, पाई बटे अगर थ्री रहेगा तो इसको लिखेंगे 60 डिग्री, पाई बटे फोर रहेगा तो हम लिखेंगे 45 डिग्री, और लास्ट में पाई बटे सिक्स रहेगा तो क्या होगा 30 डिग्री। ये तो हम लोग पढ़े भी हैं, अलेवंथ का ही चीज़ है, यहाँ पे लिख देते हैं पाई बटे सिक्स इक्वल टू क्या लिख देते हैं 30 डिग्री, ये तो हम लोग जान भी रहे हैं। चलिए अब देखिए इसमें जो टाइप वन चल रहा है केसी सिन्हा को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, केसी सिन्हा की बुक से एक्सरसाइज जो है वो है 4.1। अब देखिए जैसे कि फर्स्ट में आपको बोल दिया क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको क्या निकालना है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट में है साइन इनवर्स रूट थ्री बटे टू, यही सवाल दिया है साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू। सबसे पहले साइन का हम लोग रेंज निकल लीजिए, तो हम लोग जानते हैं कि रेंज साइन का होता है माइनस 90 से लेके किसके बीच होता है प्लस 90 के बीच में। अब देखिए इस चीज को हम लेट मान लेते हैं कि साइन इनवर्स रूट थ्री बटे टू इज इक्वल टू क्या होता है थीटा, देयरफोर रूट थ्री बाय टू इज इक्वल टू, हम लोग साइन इधर चल गया क्या हो जाएगा साइन थीटा। रूट थ्री हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 को हम लिख सकते हैं पाई बटे थ्री, देखिए पाई बटे थ्री इक्वल टू थीटा, तो इसमें लिखेंगे साइन थीटा, देयरफोर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा तो पाई बटे थ्री आ गया। देखिए हम देखेंगे पाई बटे थ्री माइनस 90 प्लस 90 के बीच में है, दैट मीन्स कि ये करेक्ट आंसर है। या फिर इसको डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आएगा इतना नहीं भी लिखते हैं तो कल लिखेंगे रूट थ्री बाय टू इनवर्स है तो हमेशा वाई पाई के फॉर्म में आएगा, इनवर्स है तो पाई के फॉर्म में रूट थ्री बाय टू कितना होता है 60 डिग्री, तो 60 को लिख सकते हैं पाई बटे थ्री, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं जो। चलिए एक नंबर इसी में देखिए दो नंबर सवाल जो है जो एक जैसा है हम उसको छोड़ देंगे, जो थोड़ा सा डिफरेंट है उसको हम लोग आगे करेंगे। देखिए टेन इनवर्स माइनस 1/√3 है, ये चीज देखिए एंगल निगेटिव हो गया, याद रहेगा कि एंगल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, वो पॉजिटिव फॉर्म में आना चाहिए। पहले तो टेन का रेंज ले लीजिए, माइनस पाई बाय टू से किसके बीच होता है तो प्लस पाई बाय टू के बीच, ये रेंज लिख दिए। अब देखिए हम लोग अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ रहे थे कि टेन इनवर्स माइनस थीटा ये होता है कितना, तो माइनस टेन इनवर्स का, ये चीज दिमाग में रखिएगा। अब देखिए एंगल मेरा पॉजिटिव हो गया, टेन इनवर्स थीटा जगह क्या हो जाएगा 1/√3, आगे में क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए माइनस लिखिए, हम लोग 1/√3 जानते हैं कितना डिग्री होता है, तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 को लिख सकते हैं पाई बटे सिक्स, देखिए माइनस 90 प्लस 90 के बीच में पाई बटे सिक्स है, और वैसे कि मेरा करेक्ट आंसर है। अब एक ऐसा भी आ सकता है जो कि इस रेंज के बीच भी नहीं रहेगा, अभी उसके लिए रुक जाइएगा। देखिए एक है क्या कि कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री,
अब देखिए कॉट की बात है तो हम लोग जानते हैं कि कॉट का रेंज किसके बीच होता है, 0 और 180 के बीच में रेंज लिख दिए। और अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा या कॉट इनवर्स माइनस एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब पहले पाई में लिखिए तो पाई माइनस क्या हो जाएगा कॉट, सॉरी कॉट होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा बोले तो रूट थ्री होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस, देखिए टेन तीस का मान होता है 1/√3, तो कॉट तीस का मान क्या हो जाएगा, टेन तीस का मान होता है 1/√3, तो कॉट तीस भी क्या हो जाएगा 1/, तो इसको लिख सकते हैं पाई बटे 6। एलसीएम लीजिए 6π - 5 कहता हुआ 5π/6। अब देखते हैं इस रेंज में आ रहा है कि नहीं, 5 पाई का मान हम लोग जानते हैं 180/6, 30 बार में कटा दीजिए 30 × 5 कहता हुआ 150 डिग्री, ऑब्वियस है 0 और 180 के बीच में, तो ये मेरा क्या है करेक्ट है। कभी कभी कुछ ऐसे भी सवाल मिलेंगे जो कि रेंज में नहीं आए दोनों में। चलिए ये तो अब देखिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो आउट ऑफ रेंज भी आ सकता है, जैसे कि क्वेश्चंस नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा क्या दिया है कि कॉट इनवर्स, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कॉट इनवर्स कॉट 5π/4 है, यही सवाल है, कॉट इनवर्स कॉट कितना है 5π/4। अब देखिए एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि कॉट इनवर्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बताते हैं कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, तो और कॉट का हम रेंज जानते हैं कि 0 से लेके किसके बीच होता है 180 के बीच में होता है, ये तो 100% है। अब अगर हम डायरेक्ट कॉट इनवर्स कॉट थीटा अगर थीटा लिखते हैं तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा 5π/4, देखते हैं रेंज में आता है कि नहीं, तो 5 × 180/4 ये कितना बार में कटेगा 45 बार में, तो 45 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा 225 डिग्री। लेकिन इसका जो रेंज है 0 से लेके लास्ट क्या है 180, ये तो हो गया 225 डिग्री, तो ये मेरा रेंज हो गया क्या चीज, तो आउट ऑफ रेंज हो गया। जब आउट ऑफ रेंज आ जाए तो इसका कुछ बेसिक्स बताते हैं। दो प्रकार का फॉर्मेट है कोई भी फ्रैक्शन में, एक होता है अंश, नीचे में होता है हर। अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर और हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर। यदि अंश मतलब कि न्यूमरेटर जो है ग्रेटर देन हर से हो तो हर हमेशा पाई से कोमा 2π, 3π ... इससे क्या होता है प्लस होता है, और यदि अंश लेस देन हर हो तो ये हर हमेशा पाई 2π, 3π से लेके क्या होता है माइनस होता है। ये तो दिमाग में आ गया कि यदि अंश ग्रेटर हो हर से तो पाई से प्लस होता है और लेस हो तो माइनस होता है। और हम लोग एक 11th में पढ़े थे पोर्शन कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में होता है इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में होता है कॉस और सेक पॉजिटिव। ये चीज हम लोग 11th क्लास में भी पढ़े थे, एक बार रिकॉल कर दिए। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉसेक, थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ में कॉसेक। एक रूल्स है इसका कि अगर 90 डिग्री के साथ अगर मल्टीपल इट मीन्स कि गुना अगर इवन नंबर हो, सम संख्या, सम का मतलब इवन हो, तो हम लोग लिखते हैं नो चेंज, और 90 के साथ अगर मल्टीपल क्या हो ऑड हो तो ये मेरा क्या होता है चेंज होता है। अब दिमाग में चलता होगा कि आखिर कैसे बनेगा, तो अब आते हैं देखिए सवाल में। मेरे पास प्रॉब्लम क्या था, कॉट इनवर्स कॉट, पहले लिखेंगे क्या चीज कॉट इनवर्स, सॉरी इस जगह ले लेते, लिखेंगे क्या चीज कि कॉट इनवर्स, देखिए कॉट कितना है 5π/4, तो कॉट अंश बड़ा है 5, हर छोटा है, तो 4 से 5 में भाग दीजिए, 1 से बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं π + π/4, देखिए 4π + π 5π हो गया, ठीक है। अब हम इसको देखिए क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स कॉट, पाई का मान होता है 2 × 90 प्लस कितना लिखेंगे π/4। अब देखिए 90 के साथ मल्टीपल 2 है, 2 मेरा कौन सा संख्या है, सम संख्या है, तो नो चेंज, इट मीन्स कि कॉट इनवर्स ये कॉट का कॉटे रह जाएगा π/4, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब लगेगा कि प्लस होता है कि माइनस, देखिए
90 को हम मूवमेंट करवाते हैं, एक दो बीच में क्या है प्लस प्लस है तो आगे की ओर जाएगा, आगे किस में आ गया तो थर्ड में, थर्ड में 10 कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव दिया है कॉट इसलिए पॉजिटिव हो गया, दोनों कैंसिल तो रहते हैं, क्या हो गया पाई बटे फोर। पाई बटे फोर का मतलब कितना डिग्री होता है तो 45 डिग्री, 45 देखिए 0 180 के बीच में मतलब करेक्ट है। एक दो बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा, अच्छी तरह से देखिए, कहीं कोई टेंशन नहीं है, एक दो बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो और इसकी प्रॉब्लम करते हैं तब और क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हम लोग कॉट इनवर्स एकदम से धीरे धीरे बनेगा, ज्यादा हड़बड़े नहीं है, हमको लगता है कि मैक्सिमम और इससे रिलेटेड दो आएगा, दो दो चार, हाँ लगभग चार पांच, पांच वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। एक और बनाते हैं, देखिए पांच नंबर इसी का सवाल है, बोल रहा है क्या चीज की टेन इंटू टेन इनवर्स थ्री पाई बटे फोर, मान लीजिए यही प्रॉब्लम है टेन के साथ। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि टेन का रेंज होता है माइनस नब्बे से लेके प्लस नब्बे के बीच में, और हम लोग एक फॉर्मूला ये भी पढ़े हैं टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा। अब डायरेक्ट अगर लिखते हैं तो मेरे पास रिजल्ट होगा थ्री पाई बटे फोर, देखते हैं रेंज में है कि नहीं। थ्री पाई का मान कितना लिखेंगे 180, रफ में ये कर लीजिएगा, चार से कटाइए 45 बार में, 45 या 135 डिग्री, देखिए है तो मेरा 90 के बीच है, ये तो 135 हो गया, मेरा कैसा हो गया तो आउट ऑफ रेंज हो गया, ये मेरा हो गया आउट ऑफ रेंज। जैसे आउट ऑफ रेंज हुआ, अभी जस्ट बताया तीन अंश क्या है छोटा है, हर क्या है बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस से हम लोग कर देते हैं टेन इनवर्स टेन, इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई बटे फोर, फोर पाई में पाई गया थ्री पाई बटे फोर। अब देखिए इसको लिखेंगे टेन, फिर इसको लिखेंगे टेन इनवर्स पाई का मतलब दो गुना नब्बे माइनस पाई बटे फोर। अब इसको क्या लिखेंगे बोलिए तो टेन इनवर्स दो क्या है सम संख्या नो चेंज, तो ये मेरा टेन कितना हो जाएगा पाई बटे फोर ही रहेगा, सॉरी टेन इंटू टेन इनवर्स है, मिस्टेक हो गया, टेन इंटू टेन इनवर्स है, टेन इंटू टेन इनवर्स ठीक है, टेन इंटू टेन इनवर्स। अब देखिए ये तो मेरा कितना रह गया था दैट मीन्स की पाई बटे फोर ही, एक मिनट एक मिनट, टेन इनवर्स है सॉरी ये टेन है, टेन इनवर्स है पहले, ये टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स टेन, अब देखिए यहाँ पे सॉरी टेन इनवर्स टेन है। अब देखिए पाई बटे फोर, अब देखते हैं प्लस की माइनस, नब्बे को दो बार मूव करवाइए, एक दो, बीच में क्या है माइनस है, इसी में बैक हो जाएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकेंड में क्या हम लोग जानते हैं साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, इसलिए ये क्या हो गया निगेटिव। अब दोनों कैंसिल कर दीजिए तो कितना रिजल्ट होगा माइनस पाई बटे फोर, बोलिए माइनस नब्बे और प्लस नब्बे के बीच में माइनस पाई बटे फोर है, दैट मीन्स कि ये भी मेरा क्या है करेक्ट है। अब देखिए तीन चार पांच हो गया, इसको लिखना अब छह नंबर से, ये ध्यान से बनाइएगा, जितना भी प्रॉपर्टीज पढ़ाए पहले उसको अच्छे से रिविजन कीजिएगा, तीन चार बार रिविजन कीजिएगा तब एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में ज्यादा दिक्कत नहीं है दो से चार दिन के बाद, और इसके बाद जो है ये कंटिन्यूसली वीडियो चलेगा है। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे क्या चीज कि ये कंप्लीट होने के बाद कैलकुलस हम लोग स्टार्ट करते हैं, लगभग दो ढाई महीने का कैलकुलस है, खूब अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं छह नंबर, आज एक तक बनाएंगे हम लोग। छह में क्या बोलता है कि आर्क साइन हाफ प्लस आर्क कॉस हाफ है, यही प्रॉब्लम है, कहता है इसका वैल्यू क्या है। इसमें हम बताए गए थे कि जहां आर्क लिखा रहेगा उसका मतलब होता है इनवर्स, तो हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ, और एक फॉर्मूला पिछले क्लास में भी पढ़े थे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमेशा क्या होता है पाई बटे टू, अगर दोनों का एंगल सेम हो, दोनों का एंगल सेम है तो डायरेक्ट हम इसका रिजल्ट क्या लिख देंगे पाई बटे टू, अगर सेम हो तो, अदरवाइज उसके लिए अलग फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं वो बनाएंगे। प्रॉब्लम नंबर सात, सात में हम लोग पढ़े हैं क्या चीज, देखिएगा टेन इनवर्स टेन कितना लिखा है सेवन पाई बटे सिक्स है, यही सवाल अभी जस्ट इस टाइप का बताए, तो ये माइनस नब्बे से किसके बीच है बोले तो प्लस नब्बे के बीच में, डायरेक्ट हम अगर टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा लिखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा सेवन इंटू वन एट्टी बटे सिक्स, तीस से कटेगा तो कितना हो जाएगा 210, 90 है तो ये मेरा क्या हो गया आउट ऑफ रेंज हो गया। जैसे आउट ऑफ रेंज हो गया तो हम क्या लिखेंगे टेन इनवर्स टेन, सेवन बड़ा है अंश बड़ा है हर छोटा है तो प्लस में होगा पाई प्लस पाई बटे सिक्स, देखिए सिक्स पाई प्लस फाइव सेवन पाई हो जाएगा, टेन इनवर्स पाई को लिखेंगे हम लोग क्या चीज तो टू इंटू नाइनटी प्लस कितना पाई बटे सिक्स। अब देखिए दो मेरा कौन संख्या है तो सम संख्या है नो चेंज, टेन का टेन ही रहेगा पाई बटे सिक्स। अब देखते हैं प्लस की माइनस,
90 को दो बार मूवमेंट करवाएंगे, बीच में प्लस है तो थर्ड में आ गया, थर्ड में 10 कॉर्ड पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव हो गया, सब कट आगे कितना हो गया 5/6 हो गया ये आंसर। अब इस बेस पे जो है एक और सवाल है 7 नंबर, देखिए चलिए हम लोग बस एक 1 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे, लगभग जो है 9 सवाल है, तो हम लोग पहले ये अच्छे से करते हैं इसलिए हर बार करके नहीं बता रहे हैं। एक है क्या चीज की कॉस इनवर्स, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉस 13π/6 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। हम लोग जानते हैं कि कॉस का रेंज किसके किसके बीच होता है, 0 और 180 के बीच में होता है। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं कि अगर 13 हुआ, पाई का मतलब कितना हुआ 180/6, क्या बार में कटेगा, 30 बार में, 13 * 39 दैट मीन्स कि 390 डिग्री हो गया, आउट ऑफ कितना हो गया रेंज, हम बोले थे कि अंश बड़ा है तो कॉस इनवर्स 6 से भाग लगाइए तो 6 × 12 2π + π/6 हम बताए थे कि भी कि ये जो पोर्शन है पाई 2π से होगा, देख के सिचुएशन। अब हम इसको कैसा लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 2π, पाई का मतलब 180 × 2 360 को लिख सकते हैं, 90 × 4 + π/6। अब देखिए 90 के साथ मल्टीपल क्या है, सम संख्या है, नो चेंज, π/6। अब प्लस या माइनस देखते हैं, 90 को 4 बार मो 1 2 3 4 बीच में क्या है प्लस, तो आगे क्वाड्रेंट हो गया, हम लोग जानते हैं फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 5/6। और एक लास्ट है साइन इनवर्स, ये अपने से अब बना लीजिए, साइन इनवर्स साइन 3π/6 रुकिएगा एक सेकंड, ये भी बता ही देते हैं। चलिए एक और सवाल है, ये हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं, ये तब एक 1 हो जाएगा क्लियर। 9 नंबर क्या है कि साइन इनवर्स, देखिए कितना है साइन 3π/ क्या है बोलिए तो 5। अब देखिए साइन का रेंज हम लोग जानते हैं किसके किसके बीच होता है, -90 और +90 के बीच में, देखते हैं कितना आता है 3 × 180/5 30 बार में कट जाएगा, नहीं 36 बार में कटेगा, 36 * 3 कितना हुआ 108 क्या हो जाएगा, आउट ऑफ रेंज हो गया। अब देखिए 3 तो अंश तो छोटा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3π है तो क्या लिखेंगे, π − 2π/5 देखिए क्या हो जाएगा, 5π में 2π गया 3π हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 × देखिए सॉरी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 2π माइनस कितना लिखेंगे 2π − 2π/5, ये ना लिख के सिर्फ पाई लिखते हैं तो 5π में 2π गया 3π/6 हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, देखिएगा रेंज में आना चाहिए 2 × 90 − 2π/5। अब देखिए 2 मेरा कौन संख्या है, सम संख्या, नो चेंज, 1 2 फिर माइनस करेंगे तो इसी में आ जाएंगे, तो ये हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2π/ कितना हो जाएगा 5। देखिए 90 को दो बार मूवमेंट करवाए, 1 2 माइनस है तो इसमें आ गया, सेकेंड में हम लोग जानते हैं कि साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो गया कितना बचा 2π/5। अब देखते हैं रेंज में आता है कि नहीं, तो 2 × 180/5 क्या बार में कटेगा 36 बार में, तो 36 × कितना हो गया 72 डिग्री दैट मीन्स इस रेंज में आ गया। तो ये हम लोग जो है टाइप 1 से जो है रिलेटेड क्वेश्चंस नंबर जो है 1 क्लियर कर लिए। अब आप कोशिश कीजिएगा क्या चीज़ कि टाइप 1 से बनाने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट जो है अच्छी तरह से आप वीडियो देखिएगा और धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए, इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कहीं अगर त्रुटि लगती है तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, इसी तरह से आप प्यार देते रहिए, सहयोग करते रहिए, धन्यवाद।